आराम से ये देखिए, ऐसा नहीं भाई साहब, मैं आपको क्या बोल डेंजर ट्रैक है। रास्ता तो बहुत कठिन है लेकिन प्रकृति के खूबसूरत से नजारे। चढ़ाई तो बड़ी डेंजरस है और पूरे थका देने वाली चढ़ाई। फाइनली हम हथनीकौल जो पीक है 15,000 फीट पे पहुंच गए हैं। जय बाबा केदार। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और जो तीसरा दिन है वो सबसे कठिन दिन है क्योंकि आज हमें हथनीकौल की पूरी पीक को पार करके भगवान श्री केदारनाथ के दर पे पहुंचना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। आज हमने तीसरे दिन की यात्रा का शुभारंभ कर दिया है और सामने से है वृहद हिमालय। आज की हमारी यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। इन घाटियों से होते हुए हमें पूरा जो ये ऊपर वाला पीक है इसको पार करना है और हिमालय का ये सुबह सुबह का नज़ारा है। अभी 7 बज रहे हैं तो ये है हिमालय के दर्शन। आज की यात्रा सबसे ज़्यादा एडवेंचर वाली होने वाली है क्योंकि आज हमें 5 से 7 किलोमीटर की दूरी को तय करना है और जो हथनीकौल है जो सबसे कठिन पीक है उसको पार करना है और वो जो पीक है वो बिल्कुल खड़ी पीक है, उसकी पहाड़ी को चढ़ के हमें भगवान श्री केदारनाथ तक पहुंचना है। तो आज का जो रास्ता है तो वो कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए इस रास्ते से होते हुए हमें और वो जो सामने पीक दिख रही है ये 2 किलोमीटर का पूरा पीक है, उसको पार करके हमें नीचे पहुंचना है। तो हमने भी बाबा केदार का नाम ले लिया है और बाबा केदार के आशीर्वाद से हमने इस आज की यात्रा को शुरू कर दिया है। मेरे साथी राय भाई अभी पीछे हैं, मैं थोड़ा आगे आ गया हूं और चलते हैं धीरे धीरे आगे। हमने पानी रख दिया है, लगभग 5 लीटर हमारे पास पानी है क्योंकि इसके बाद कहीं भी पानी नहीं मिलेगा और इस वाली चढ़ाई पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ये देखिए भाई, ऐसे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है और फिर यहां से आगे इधर की तरफ जाना है। रास्ता तो बहुत कठिन है लेकिन प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे इस पूरे रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूल है। चढ़ाई तो बड़ी डेंजरस है और पूरे थका देने वाली चढ़ाई है। ये देखिए इस पूरे ट्रैक में आपको रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वाले ट्रैक में जो हमारे तीसरे दिन का ट्रैक है हथनीकौल वाला, इसमें सिर्फ इतना पता रहता है कि ये हथनीकौल की पीक है और इसे पार करना है। रास्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और राय भाई वहाँ से गए, इसका मतलब रास्ता कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ पता रहती है कि हथनीकौल की वो वाली पीक पार करनी है, बस इसी से ये ट्रैक चलता है। और अगर मैं आप इस ट्रैक का प्लान करना चाहते हैं तो कभी भी बिना गाइड के ना आए। ये पूरा ट्रैक बहुत ही थका देने वाला ट्रैक है
और इस पूरे ट्रैक में पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है और हर कदम पे सांस फूलती जा रही है, क्योंकि जो ये पूरी पहाड़ी है ये जड़ी बूटियों वाली पहाड़ी है और जब जड़ी बूटियों की महक चल रही है तो और भी दिक्कत हो रही है सांस लेने में। दूसरी बात यह है कि इस पहाड़ी पे, जिस पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे या तो आप गाइड के साथ आइए या तो आप किसी अनुभवी आदमी के साथ आइए। इस पूरे ट्रैक में आपको रास्ता खुद बनाना होगा। बस इस पूरे जो आज का ट्रैक है उसमें यही हमको पता है कि हमें हथनी कॉल की पूरी पीक को पार करना है। हथनी कॉल की पीक ये सामने से दिख रही है। वैसे तो हथनी कॉल की पीक सामने से ऐसे कैमरे में दिख रही है, इतनी नज़दीक है नहीं। अभी हमें 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। राय भाई काफ़ी आगे चले गए हैं और मैं धीरे धीरे पीछे से चलता जा रहा हूँ, क्योंकि बैग भी काफ़ी भारी है और उसमें खाने पीने का सामान तो राय भाई के पास है, लेकिन मेरे पास टेंट वगैरह वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस ट्रैक में आप जितना कम सामान लाएं उतना अच्छा है। अभी हमने आधी दूरी तय कर दी है और अभी आधी दूरी और तय करनी है। तो ये है कुछ रास्ता आज का, और यहाँ पे अभी राय भाई भी बैठे हुए हैं। अरे राय भाई थक गए भाई, सब थक जाते हैं ये आपके सपनों के चक्कर में ना भाई साहब। मेरा सपना हो रहा है यहाँ पूरा, है ना। आपका तो अपना सपना रह गया जी, सपना है मेरा केदारनाथ जाना, इस रास्ते से केदारनाथ जाना है। यहाँ देख रहे हैं ना इस ट्रैक पे रास्ता ये है, बाप रे। वही तो सपने साकार यूं ही थोड़ी नहीं होते हैं भाई साहब। अपने साहब मेरे को भी रगड़ लिया आपने यार ढंग करके। क्या बता सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा आपको भी लाइफ में। पर ये है कि बाबा केदार की कृपा से अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है, बस आधा आधा रह गया है। बाप रे, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। रास्ता आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ चढ़ के आ गए हैं। अभी भी 200-250 मीटर दूर जाना है, लेकिन 200-250 मीटर भी इतना दूर लग रहा है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और लगभग 5 लीटर हमने पानी लिया था और अभी 3 लीटर पानी हमने लगभग पी लिया है। और यदि पानी नहीं होता तो हम इस डेंजरस जो ट्रैक है, जो चढ़ाई है, उसको पार नहीं कर पाते। तो कुछ इस प्रकार की चढ़ाई है, ये देखिए अभी इतनी दूर जाना है। ओह, लगभग हमने पार कर ही लिया है, बस 200-250 मीटर रह गया है, फिर उसके बाद डाउन जाना है। बहुत डेंजर ट्रैक है, हालत खराब हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए कितनी हाइट पे आ गए ना हम लोग आज। अभी ये देखिए लगभग हम लोग 14,000 फीट पे पहुंच गए हैं सर। सामने पे देखिए, यहाँ सामने की जो इन पीकों पे बर्फ इतना ज्यादा है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए आखिरकार हम 14,000 फीट पे पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में हम 15,000 फीट पे पहुंचने वाले हैं। हाँ, बस ये हमारी मंजिल है, देखिए ऊपर में। फाइनली हम हथनी कॉल जो पीक है 15,000 फीट पे पहुंच गए हैं। बहुत सालों से सपना था, आज पूरा हो गया है। हर हर महादेव। बहुत सालों से बाबा केदार की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मन में हमेशा एक ही पीक को पार करने का सपना रहता था, हथनी कॉल का। आज
वो सपना भी पूरा हो गया है और सामने से भव्य दर्शन हो रहे हैं यहाँ से बाबा केदार के। बहुत ऊंचाई वाला ये क्षेत्र है, अभी हम 15,000 फीट पे हैं। तो जो ये ट्रैक है ये बहुत ही कठिन ट्रैक है और हमने आखिरकार इस ट्रैक को पूरा कर लिया है। इसके बाद हम इस पूरे बर्फ से होते हुए और भूकुंड भैरव पे पहुँचेंगे, फिर आपको बाबा केदार के अद्भुत दर्शन कराएंगे। उधर से इधर आओ ना, वहां से ऊपर आओ, जहां से मैं आया वहीं से आओ, या वहीं से ऐसे ऐसे करके तिरछे तिरछे पांव रखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ आ जाओ, ऐसे तिरछे पांव रखना ऐसे। हाँ यस, ऐसे ही बर्फ में ऐसे ही चला जाता है आराम आराम से, ऐसे एक साइड बना के, ऐसे नहीं पांव बस मत रखो। हाँ ऐसे एक बार फट मारो नीचे में। हाँ यस, आराम से आराम से। ये देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अरे 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 अरे, अभी हम ठीक पहुंच गए हैं केदारनाथ के ठीक ऊपर। अभी केदारनाथ यहाँ पर से 2 से 2.5 किलोमीटर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सामने से दिख रहा है हथनीकौल, और हथनीकौल के पीछे जो दिख रहा है वो मरणा माई वाले पर्वत दिख रहे हैं। और अगर मैं मरणा माई की कृपा रही तो हम एक दिन उस वाले ट्रैक को भी करेंगे और यहाँ से काफ़ी अल्टीमेट नज़ारा दिखता है। और सबसे पहले बाबा जो केदार की हम पे इतनी असीम कृपा रही कि तीनों ही दिन बारिश भी नहीं आई और हम समय पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो बाबा केदार को दंडवत प्रणाम करते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पच्चीस किलोमीटर का ट्रैक करके आखिरकार हम अभी बाबा केदार के धाम में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे से भूकुंड भैरव का मंदिर दिखाई दे रहा है, थोड़ी ही देर में भूकुंड भैरव की आरती होने वाली है। और अभी हम भूकुंड भैरव के सामने पहुंच गए हैं क्योंकि ये जो ट्रैक है इस ट्रैक का रास्ता भूकुंड भैरव पे ही पहुँचता है। तो कुछ इस प्रकार के दर्शन हैं भूकुंड भैरव के।